पाचपावली पुलिस स्टेशन अंतर्गत तेज वाहन चलाने को लेकर टोकने पर हुए विवाद के चलते वाहन की तोड़फोड़ और जान से मारने का प्रयास किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाचपावली परिसर के शीतला माता मंदिर के समीप गोंडपुरा निवासी फिरियादी रत्नमाला देवरा मसराम उम्र 55 अपने बस्ती के लोगों के साथ बातचीत कर रही थी। इस दौरान मार्ग से गोंडपुरा निवासी आरोपी शुभम बारापात्रे उम्र 30 साल अपनी बाइक से तेज गति से गुजर रहा था। तेज रफ्तार से बाइक चलाने पर उसे फिरियादी ने टोका तो उसने विवाद करना शुरू कर दिया। यह देख फिरियादी का पुत्र विशाल उम्र 28 साल पहुंचा और समझाने का प्रयास करने पर उसके साथ भी विवाद करने लगा। विवाद को देख मोहल्ले के लोग एकत्रित होने लगे। यह देख आरोपी वहां से भाग गया, किंतु कुछ देर बाद वह अपने 7-8 साथियों के साथ लकड़ी व डंडे लेकर पहुंचा और फिरियादी के पुत्र के सिर पर प्रहार कर साथ ही अन्य युवकों ने भी मारना शुरू कर दिया। इस घटना में वह जख्मी हो गया, साथ ही बाइक का नुकसान भी हुआ। फिरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुरा बारसेट नगर येथील रत्नमाला देवराव मसराम या दिनांक 2/11/2020 चे रात्री 10:30 वाजताच्या दरम्यान आपल्या घरासमोर उभे असताना त्यांच्या मुलासोबत विशाल मसराम सोबत आरोपी शुभम बारापत्रे यांनी जोरात गाडी चालवल्याने त्यांनी त्यास अटकले असता व शुभमने त्यास हळू गाडी चालवण्याची समज दिली, त्याच्यावरून दोघांची बाचाबाची झाली। त्यानंतर शुभम 10-15 मिनिटात आपल्या 5-6 मित्रांना सोबत घेऊन आला। त्यांनी लाकडी बल्लीने विशाल मसरच्या डोक्यावर मारून त्याला गंभीर जखमी केले। त्याला उपचारासाठी मेडिकल येथे ॲडमिट करत आले व त्याच्या तिथे तो ॲडमिट असून तिथे उपचार सुरू आहे। तपासादरम्यान आम्ही सदर बाबत गुन्हा दाखल 307 गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदर गुन्ह्यातील आरोपी शुभम बारापात्रे, त्याचा मित्र अभय आसोले, राजकुमार आणि इतर 2 जीवेनेल आरोपी यांना ताब्यात घेतलेले आहे। तसेच तिसरा 1 निहाल नावाचा आरोपी याचा शोध घेत आहोत। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज़ नागपुर।